साइकिलिंग मैन है ये। ये सारा कैंपिंग का सामान है। तो प्राइस है 25,000 का है। ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो वुडन से बना हुआ है। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 300 के आसपास। ये है लैपटॉप पैड। जो घर पे यूज होने वाले बर्तन होते हैं वो सारे इन्होंने मिट्टी से बनाए हुए हैं। दोस्तों मैं वंश, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सूरज कुंड मेला, जो पड़ता है कहाँ, फरीदाबाद में। मीन्स पड़ता क्या लगता है यहाँ पे, और दो साल से लग नहीं रहा था कोविड की वजह से, और इस साल लगा है। और ये 35वां इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला। तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है टिकट काउंटर, और यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हो। टिकट के जो प्राइस है वीकडेज में वो है 120 रुपीज़, और वीकेंड्स में जो इसके प्राइस पड़ते हैं वो पड़ते हैं 180 रुपीज़। तो दोस्तों ये मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो, ये है एंट्री गेट, पर यहाँ से करेंगे कि हम एंट्री। वैसे जो टाइमिंग है वो 12:30 से 9:30 का टाइम है, बट 12:30 बजे से पहले भी एंट्री अलाउ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो पार्किंग लॉट वाला एरिया है, यहाँ पे अपनी जो गाड़ी वो पार्क कर सकते हो अगर आप गाड़ी के थ्रू आते हो तो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा, वैसे तो कहते हैं मोस्टली लोग बदरपुर बॉर्डर, बट मेरे अकॉर्डिंग जो पड़ेगा वो पड़ेगा तुगलकाबाद, जो मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा। तो दोस्तों करते हैं क्या हम एंट्री, और देखते हैं फिर अंदर इन्होंने जो डेकोरेशन है किस तरीके से कर रखी है, और इस बार का जो मेला वो कैसा है। दोस्तों फाइनली मैंने अंदर की तरफ एंट्री ले ली है। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ वाला गेट है, और 2 साल पहले भी मैं इसी गेट से मैंने अंदर एंट्री की थी। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है, और जो मौसम है आप ये कह सकते हो गर्मी वाला हो चुका है। तो दोस्तों अंदर का जो नज़ारा है पहले के मुकाबले थोड़ा सा जो रश है, जो डेकोरेशन है वो कम है, और इस बार की जो थीम है वो है जम्मू कश्मीर की थीम, और इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो है उज़्बेकिस्तान। तो आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये उज़्बेकिस्तान का आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगा। इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो है उज़्बेकिस्तान। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है उज़्बेकिस्तान का स्टॉल, और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो आप मेरे बिल्कुल सामने, ये है डॉल, और इन सभी का जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू साइज एंड डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं इस डॉल की बात करूँ, हाउ मच सर? 300। ओके, दिस इस डॉल की जो प्राइस है वो है 300 है। अगर मैं आप इस टॉपिक की बात करूँ तो हाउ मच सर? 1500। आप देख सकते हो इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी प्रोडक्ट बन रखे हैं वो सारे सेरामिक से बन रखे हैं। अगर मैं इसकी हाउ मच सर? 1500। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नक्काशी इसके ऊपर की गई है, जो मेरे दिल को क्या कर रही है, मोह रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1000 का, और ये हैंडमेड है। इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 10,000 का, और इसके ऊपर आप जो नक्काशी देख सकते हो सारी हैंडमेड है और काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हैंडमेड है, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है वो हाथों से बनाई गई है। दोस्तों इस बार की जो थीम है वो है जम्मू कश्मीर की थीम, और मैं आज जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हो यहां की जो डेकोरेशन है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, और इन्होंने एक रूम बना रखा है और इसके ऊपर एक फ्लोर भी है, शायद ऊपर जाने नहीं देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर जैसे घर होते हैं अपने जम्मू कश्मीर में उस तरीके से, और ये जो चूल्हा आप देख रहे हो वो मिट्टी का बना हुआ है, आप देख सकते हो जैसे गाँव में बना होता है चूल्हा वैसे ही बना हुआ है, और ये जो चूल्हा दो चूल्हे हैं। यहाँ पे इन्होंने कालीन बिछा रखी है और तकिया लगा रखा है, और चरखा भी रखा हुआ है, और साथ ही साथ हुक्का भी रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और इस तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। तो जो जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज की जाती है एडवेंचरस, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, कि कैसे कैंपिंग की जाती है, स्केटिंग की जाती है, और ये सारा कैंपिंग का सामान है, और ये ट्रैवल बैग है। तो आप देख सकते सारे इन्होंने ये सारी चीज़ें इस रूम के बिल्कुल जस्ट बाहर रखी हुई है, और इस बार की जो थीम है इसकी वजह से यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर दिया गया है, और ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हो ये है जूते जो स्केटिंग के टाइम पहने जाते हैं, ये वो जूते हैं। दोस्तों फाइनली एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ। ये जो स्टॉल है ये युगांडा का स्टॉल है। व्हाट्स योर नेम ब्रो? माय नेम इज संकाय जोशी। ओके,
ए, इनका नाम जो है काफी कठिन है, बोल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मास्क जो बना हुआ है वुडन से। हाउ मच मैम? 2000। तो दोस्तों इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 2000 का। तो दोस्तों ये पड़ेगा 700 का, ये पड़ेगा 3000 का, 500 का पड़ेगा दोस्तों आपको ये। साइकिलिंग मैन है ये। मुझे इनका जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा लगा ड्रम। आप देख सकते हो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 800 टू ड्रम। तो सामने बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो ये घाना का स्टॉल है जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। और आप यहाँ आपको यहाँ पे मास्क और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अट्रैक्टिव आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम अंदर की तरफ एंटर कर चुके हैं, आपको यहाँ पे मास्क देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो इनकी जो खूबसूरती है काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़बरदस्त बना रखी है। और आपको यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे हैंडमेड देखने को मिल जाएंगे। ये जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू साइज एंड डिज़ाइन डिफरेंट है। तो प्राइस है 225,000 का है। तो मैं क्या बताऊँ यार, और आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हो ये 6,000 का है। तो आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो ये ज़ाइलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं एक बार आपको बजा के दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो वुडन से बना हुआ है और काफ़ी यार ज़बरदस्त इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। एक और स्टॉल पे आ चुके हैं आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो। ये है श्रीलंका का स्टॉल और यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे सिरेमिक से बने हुए हैं। दोस्तों चलते हैं बिल्कुल नजदीक और देखते हैं इनके पास आपको मतलब हमको या आपको कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो ये जितने भी प्रोडक्ट सिरेमिक से बने हुए हैं और ये सारे प्रोडक्ट हैंडमेड है। और ये जो स्टिक होती है धूप बत्ती की स्टिक धूप की, उसको रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये है बोतल। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 300 के आसपास। सर हाउ मच? 400। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 400 और इस पर आपको एक ढक्कन भी देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 850। ओके दोस्तों मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जितने भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे वुडन से बने हुए देखने को मिलेंगे। और इनकी जो फिनिशिंग है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है यार। एक्चुअली इनकी फिनिशिंग इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि मैं खड़े होकर यहाँ पे 2-3 मिनट तो मैंने इसको देखा ही देखा। और ये भैया है मथुरा से, इनसे जानते हैं कि इनको बनाने में कितना टाइम लगता है और इनकी जो खासियत वो क्या है। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम युवराज है और मेरा ब्रांड का नाम ग्रामीण है। और भैया ये आप जितना भी सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो सारे हैंडमेड है। इसके जो कलर है जस्ट फिनिशिंग है वो पूरी हाथी की है। जैसे जो कलर है वो स्प्रे पेंट है। बाकी पूरा MDF का बना हुआ है। रिसाइकल वुड होता है ना सर, लकड़ी का बुरादा जिसे कहते हैं हम, उसको कंप्रेस करके लकड़ा बनता है उससे बना हुआ है सर पूरा ये। बाकी सर हमारे पास ट्रेज है रिवॉल्विंग वाली, ये सर रिवॉल्व होती है जिसकी जो फिटिंग है ये पूरी हाथ से की गई है फिटिंग। इसमें डिजाइन में डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे, ये की होल्डर्स मिल जाएंगे। ये जो सर आप शेप देख रहे हैं ये सारी शेप ये पूरी हाथ की बिजी हुई है। ये पूरा हैंडमेड जितना फिर इसकी शेप देख रहे हो सर हाथ की हुई है। फिर मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आगे जो प्रोडक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट और डिमांडेबल प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? लैपटॉप पैड। वो कितने का पड़ेगा? 2450 का। 2450 का। हाँ उसको बनने में कितना टाइम लगता है? उसको बनने में 1-1.5 घंटा लगता है। डेढ़ घंटा।
तो ये है लैपटॉप पैड, और इसकी जो खासियत है भैया ने बताई दी है, इसका प्राइस भी बताई दिया है, और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे हैंडमेड है, और बनने में इनको कम से कम एक या डेढ़ घंटे का टाइम लगता है। तो दोस्तों फाइनली एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, और ये जो स्टॉल है हरियाणा की स्टॉल है, और यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे मिट्टी से बने हुए देखने को मिलेंगे, और इनके जो प्राइस है डिफरेंट है, और ये सारी यूटेंसिल्स है जो घर पे यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं वो सारे इन्होंने मिट्टी से बनाए हुए हैं। और इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड में वो है पानी की बोतल, बिकॉज गर्मी आ चुकी है और सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है वो पानी की बोतल सेल हो रही है। और इनसे पूछते हैं कि जो सबसे पहले तो भैया का नाम जानेंगे, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मिंदर है। धर्मिंदर है, तो भैया एक बात बताओ, ये जो हांडी है इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 350 का, और ये बड़े वाले का 600 का। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड में बोतल को छोड़ेंगे, बोतल ही सबसे डिमांडेड होती है। अरे उसके अलावा और कोई हो जो स्पेशल हो? डिमांडेड ही है, हांडी डिमांडेड ही होती है, लोगों के लिए फेवरेट होती है चिकन के लिए। तो दोस्तों अगर आप चिकन के शौकीन हो, हांडी चिकन के, तो आप इस हांडी का इस्तेमाल कर सकते हो, और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो काफ़ी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये भी है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा भैया? ये काफ़ी 500 का। तो दोस्तों इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 500 का।